तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा पाँच के हिंदी विषय के पेपर का मिलान करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा में कितने अंक आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से अपने कक्षा पाँच के हिंदी विषय के पेपर का पूरा मिलान कर लो, जिससे कि आपको सही उत्तर पता चल सके और आप सब लोग ये जान सको कि हमारी वार्षिक परीक्षा के पेपर में हिंदी विषय में हमें कितने अंक दिए जाएंगे। तो देखिएगा, यह आज आपका पेपर हुआ है जो हिंदी विषय का है, कक्षा पांचवी का, द्वितीय भाषा का। टोटल आपका 60 अंक का पूर्णांक था और 2.5 घंटे का आपका पेपर था। आप सब लोग इस पेपर को देखकर आ चुके होंगे और आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, मगर एक बार आप सब लोग अपने प्रश्न के उत्तर का मिलान जरूर कर लो, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि कितने अंक का पेपर आपका सही हुआ है। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत माँ का हृदय प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं? तो देखो, इसका राइट आंसर था आपका मध्य प्रदेश। तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश लिखकर आए होंगे ना, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का गया है। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तो देखो, बादशाह अकबर ने घड़े में देखा था कद्दू, तो कद्दू इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो, अगर आप लोग पहले नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लगाकर आए होंगे और दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लगाकर आप आए होंगे, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन का मिलान करते हैं, मैसूर किस राज्य में है? तो देखो, मैसूर जो है ना कर्नाटक राज्य में है। किस में? कर्नाटक में। तो अगर आप लोग ये लगाकर आए होंगे तो ये भी बिल्कुल आपका सही होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो देखो, ऑप्शन है रामेश्वरम, भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता। तो देखो, रामेश्वरम जो है, राष्ट्रपति भवन जो है ना कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ये इसका राइट आंसर था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिन शब्द में विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो देखिएगा, दिन शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, दिन शब्द का विलोम होगा रात। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि पहले नंबर का अगर आप लोग ए करके आए होंगे तो सही है, दूसरे नंबर का बी करके आए होंगे तो भी सही है, तीसरे नंबर का ए करके आए होंगे तो सही है, और चौथे नंबर का सी करके आएंगे तो आपका सही है, और पांचवें नंबर का सी आपने किया होगा तो ये सही है, ठीक है ना। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसका मिलान कर लो और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आपका कितना सही गया और कितना आप लोग गलत कर आए। अब देखिएगा, इसके बाद में हम इसका मिलान कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सजगता में उपसर्ग होगा? तो देखो, सजगता में सा आपका उपसर्ग है, यहाँ से आप लोग देख लें। भारतीय सेना के तीन प्रमुख अंग हैं, कौन से तीन अंग यहाँ पर आपको लिखकर आना था। वैसे आप लोग यहाँ पर तीन लिखकर आए होंगे तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारतीय सेना के तीन प्रमुख अंग है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और जल सेना को नौसेना भी कहा जाता है। तो अगर आपने तीन भी लिखा होगा तो भी आपका सही है। और उसके बाद में अगला देखते हैं, करत करत अभ्यास के होत सुजान। तो देखो, इसमें आपको लिखना था जड़मति, क्या लिखते हैं यहाँ पर? जड़मति अगर आप लोग यहाँ पर लिखकर आते तो ये सही है। तो देखो, रम्मो और कल्लो परीक्षा में पास हो गई, कौन सी परीक्षा में पास हो गई थी? तो देखो, यहाँ पर आपको या तो बारहवीं लिख देना था या मैट्रिक लिख देना था। पराजय शब्द में परा है, तो देखो पराजय में परा क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना था उपसर्ग, ठीक है ना, क्या लिखना था? उपसर्ग। तो ऐसे आप सब लोगों को इसको देख लेना था। अब इसके बाद में देखो, क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से कर दिया होगा, पुंडलिक से भेंट के लिए कौन कौन दौड़ आए, मेरा बचपन कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है, माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को किन ग्रंथों की कहानियाँ सुनाकर प्रेरित किया। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप सब लोग इसको देख लें। और देखो, इसके बाद में आपके क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे गए हैं, देख सकते हो आप सब लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया होगा पूरा का पूरा। अब देखो, ये आवेदन पत्र आया था, इसको भी आपने अच्छे से कर ही दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में पथिक, खेत, पेड़ शब्दों को बहुवचन में बदल कर पुनः वाक्य में लिखिए। तो देखो, पथिक का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पथिक का हो जाएगा पथिकों, ठीक है ना। उसके बाद में महेश खेतों में पानी देता है, तो देखो खेतों में खेत का क्या हो जाता है? खेतों में, तो यहाँ पर आपको खेतों कर लेना था। पेड़ की छाया शीतल होती है, इसको भी आपको बहुवचन बनाना था, तो देखो ये बहुवचन में हो जाता आपका पेड़ों की छाया शीतल होती है। इनको दोबारा से लिखना था, मतलब आपको ऐसा करना था, पथिक शब्द हट जाता और उसकी जगह पे पति को लिख देते दोबारा से, उसी तरह से महेश में इसमें से खेत हट जाता, खेतों लिख देते, पेड़ हट जाता, इसमें पेड़ों लिख देते। तो ऐसे आपको ये करके आना था।
अब उसके बाद में देखो आपका आगे का पेपर ऐसा था, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो आप सब लोगों ने यहाँ से इस वीडियो में से आपने कक्षा 5 के हिंदी विषय के पेपर का पूरा मिलान कर लिया। अब आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।